हेलो गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल तो एक और दिन स्टार्ट हो गया है आज है सैटरडे और जैसे कि सैटरडे को मैं जाती हूँ मंदिर हम ऑलरेडी मंदिर से हुआ है मैं और ध्रुव गए थे मंदिर अंतरा गई हुई है एग्जाम देने के लिए और दृष्टि आज स्कूल नहीं गई है तो ये है हमारे दिन की अपडेट्स ये रहा ध्रुव और ध्रुव खा रहा है चॉकलेट है ना ध्रुव बात भी नहीं कर पा रहा है धूप तो और आज बहुत ही अच्छी धूप खिली हुई है हवा चल रही है काफी बट हवा को कॉम्प्रुट दे रहा है हाँ लगा दीजिए तो आज बहुत ही अच्छी हवा भी चल रही है और साथ ही साथ बहुत कड़ी धूप भी दी है तो एकदम परफेक्ट मौसम है मंदिर की पूजा तो हो गई अब चलते हैं चाय पीते हैं और उसके बाद नाश्ता बनाते हैं चेंज भी कर लेते हैं जि गई है और जा रही है धूप सेकने के लिए छत पर और ये रहा ध्रूप का दूध ए दूध ले बेटा, और ये है रूम की हालत चारों तरफ बिखरा बिखरा दूसरा रूम भी सेम इसी तरह है तो इस सबको ठीक करना पड़ेगा और यहाँ सारा रूम मैंने क्लियर कर लिया है दोनों रूम को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है और जो कंबल मैंने धूप में रखे थे धूप लगने के लिए वहाँ तो ध्रुप खेल रहा है तो बच्चों की आदत होती है कंबल वगैरह बाहर रखो तो वो खेलने बैठ जाते हैं अमर भी आ गए हैं मार्केट से तो मार्केट गए थे वो सब्ज़ियाँ लेने के लिए तो सब्जियाँ लेकर के आ गए हैं अब लंच की भी तैयारी साथ ही साथ करनी होगी सबसे पहले नाश्ता बनाते हैं क्योंकि अंतरा भी आने वाली है स्कूल से एग्ज़ाम उसका ख़त्म हो गया है और दृष्टि भी उठ गई है तो फटाफट से पहले नाश्ता कम्प्लीट करते हैं उसके बाद लंच आज बनाएंगे क्योंकि तो बच्चे घर पर है तो फिर आज थोड़ी देरी हो ही जाएगी आज मैं उनके लिए बना रही हूँ गोभी के पराठे बहुत पसंद है उन्हें तो गोभी मैंने पहले ही कद्दूकस करके रख दी थी मंदिर जाने के पहले ही और मसाले वगैरह ऐड करके उसमें मैं फिर पराठे बनाऊंगी तो ये ठंड के टाइम का सबसे बेस्ट रहता है यही चीज़ के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पराठे खाने को मिलते हैं बच्चों को बहुत पसंद आते हैं जो उन्हें तो वो नाश्ता बड़े शौक से खा लेते हैं और इधर साथ ही साथ मैंने चावल भी चढ़ा दिए हैं तो दोनों काम एक साथ मेरे कंटिन्यू होते रहते हैं तो छोटे बच्चों के साथ मेरी रोज़ की यही रूटीन रहती है सुबह से रात तक साथ में ध्रुव रहता है तो फिर ध्रुव को ज़्यादा अटेंशन देनी पड़ती है और ठंड का टाइम है तो बच्चों को नहाने के लिए पहले गर्म पानी दो तो ये भी एक झमेला रहता है जिससे मुझे और भी ज़्यादा लेट हो जाता है तो ये पराठा मैंने फटाफट बना लिया है तो सबसे पहले पराठा कौन लेगा इसकी भी लड़ाई होती है अंतरा लेगी कि दृष्टि लेगी फिलहाल अभी अंतरा आई नहीं है तो दृष्टि को ही मिलेगा पराठा बच्चे जब स्कूल नहीं जाते तो ये रोज की ही मेरी कहानी रहती है ऐसे ही अंतरा भी आ गई है एग्जाम कैसा रहा अच्छा ये तो मार्क्स से पता चलेगा एग्जाम अच्छा रहा कि क्या रहा भूख लगी है जोरों की है। हाँ। चलो गोभी के पराठे खाओ और इधर मेरी सासू माँ लंच के लिए सब्ज़ियाँ काट दे रही है तो अभी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है मेरी जब से मेरी सासू माँ आई हैं तो वो सब्ज़ियाँ वगैरह काट देती हैं तो मेरा लंच थोड़ा जल्दी बन जाता है और अभी इधर शाम हो चुकी है तो शाम को भी बच्चों को कुछ ना कुछ चाहिए होता है तो बच्चों का यही रहता है सारा दिन मुँह बस चलते रहना चाहिए तो यहाँ ध्रुव ब्रेड खा रहा था मैं ब्रेड सेक रही थी तो वो सेकी हुई ब्रेड ही खा रहा था उसको इतना भी वेट नहीं है कि कुछ लगा दो ब्रेड के ऊपर तो बाकी बच्चों के लिए भी मैंने ब्रेड और ऑमलेट ही बनाया है आज शाम को क्योंकि उन्हें ज़रूरत होती है कि पहले कुछ खाएंगे उसके बाद ही पढ़ने के लिए बैठेंगे तो ये उनकी ना एक हैबिट हो गई है क्योंकि डिनर पे फिर थोड़ा लेट हो जाता है तो वो आराम से पढ़ते रहते हैं और मुझे भी फिर टेंशन नहीं होती है तो ये मैंने ब्रेड सेक दी है सबसे पहले तो दृष्टि दौड़ करके आई है खाने के लिए क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और ये रहा ध्रुव तो ध्रुव भी लेकर के चला गया है काफ़ी दिनों से ना मलाई रखी हुई थी तो मैं निकाल ही नहीं पा रही थी घी तो मैंने सोचा आज मैं घी का काम कर ही लेती हूँ क्योंकि बच्चे जब तक ब्रेड खाएंगे ना तब तक मेरा ये काम हो जाएगा उसके बाद फिर मैं पढ़ाने बैठूँगी तो यहाँ मैंने घी चढ़ा दिया है मैं तो मलाई डायरेक्ट ही चढ़ा देती हूँ मक्खन निकाल करके नहीं बनाती हूँ क्योंकि उससे बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है दूध भी आ चुका था इतनी देर तक तो मैंने दूध भी गर्म चढ़ा दिया और साथ ही साथ अपनी चाय भी बना ली है क्योंकि ठंड के टाइम में ना एक चाय ही है जो मुझे बूस्ट करती है काम करने के लिए एक बार चाय पी लो ना तो फिर शरीर में जैसे ताकत आ जाती है और दूसरी तरफ यहाँ बच्चे भी खा चुके हैं तो मैं दृष्टि को लेकर के पढ़ाने के लिए बैठ गई हूँ क्योंकि दृष्टि को पढ़ाने की जिम्मेदारी पूरी मेरी ही है तो दो घंटे उसे मुझे देने ही होते हैं और रात के टाइम ना ये मैंने उनके लिए कप बनाए हैं क्योंकि जो स्ट्रॉबेरी हम लेकर के आए थे ना वो थोड़ी खट्टी थी तो ध्रुव खा नहीं पाया सारी स्ट्रॉबेरी तो फिर मैंने उसके कप बना दिए और इधर जो ये आप कांच टूटा देख रहे हैं ना ये रात का वक्त था ग्यारह बजे दृष्ट अंतरा के पैर से लग करके ना ये कांच टूट गया तो ये बेड के साइड में कांच लगा हुआ था वो टूट गया तो इस टाइम पर भी मुझे फिर सफाई करनी पड़ी अच्छी तरह से क्योंकि पूरे बेड पर कांच ही कांच हो गया था तो ये मैंने साफ़ कर दिया और अब बच्चे सो चुके हैं सारा दिन की भाग दौड़ के बाद अब वो जा कर के सोए हैं तो लाइट भी जला करके सो गए हैं लाइट ऑफ करके इन्हें सोने के लिए छोड़ देते हैं तो दिन के एंड के साथ मैं आज के इस ब्लॉग का भी एंड करती हूँ इसी तरह से मेरा रोज़ का दिन पार हो जाता है अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो ऐसे ही ब्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा फिर मिलती हूँ मैं आपसे नए दिन के साथ नए ब्लॉग के साथ तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय